सुदेशना प्रणाम। सुदेशना की 58 58वीं पाठशाला में आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन। मित्रों, हमारा आज का विषय है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। इस दुनिया में अधिकतर लोग नकार या इनकार में ही जीते हैं। यह नकार या इनकार उनकी दृष्टि और दिमाग में इस कदर छा जाता है कि उन्हें किसी भी चीज़ में, व्यक्ति में या विचार में पहले पहल बुराई, अवगुण या उसका नकारात्मक पक्ष ही नज़र आता है। दूसरों के मीन मेख निकालने या बुराई ढूंढने में ही उनका बड़प्पन होता है और इसी से उनके अहंकार की पुष्टि भी होती है। वे नहीं जानते कि इस प्रकार वे अपना ही अहित कर रहे हैं, स्वयं को ही छोटा बना रहे हैं, लोगों की दृष्टि में अपने प्रति सम्मान खो रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, कुंठा, हिंसा, प्रतिशोध, दुख और अकर्मण्यता से जुड़े विचार, अपनी और दूसरों की क्षति करने वाले विचार नकारात्मक विचार कहलाते हैं। नकारात्मक विचारों को मन में स्थान न देना, दिमाग से उन्हें झटक कर फेंक देना ही जीवन में आगे बढ़ने का उपाय है, व्यक्तित्व विकास की कुंजी है, सुदेशना का महनीय सूत्र है। किंतु होता बिल्कुल इसके उल्टा ही है। अधिकतर लोग नकारात्मकता को ही ओढ़ते बिछाते नजर आते हैं। नकारात्मक विचारों से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय यही है कि खुद का निरीक्षण करें, देखें कि आप दिन में कितनी मर्तबा नहीं कहते हैं। बिल्कुल तटस्थ होकर साक्षी भाव से विटनेस तथाता की भांति विचार करें कि क्या सचमुच नहीं कहना आवश्यक था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं स्वभाव का हिस्सा बन चुकी आदत के चलते आपने नहीं कहा। तो फिर नकारात्मकता की इस बुरी आदत को बदल डालने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए नहीं कहने की मात्रा को घटाना शुरू कीजिए और हाँ की मात्रा को बढ़ाने लगिए। आप यकीन मानिए, जैसे ही आप हाँ और ना की मात्रा में थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे, आपके व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन नजर आने लगेगा। दूसरे इस संबंध में आपकी तारीफ बाद में करेंगे, पहले पहल आपको स्वयं यह बदलाव गहराई तक अपने भीतर महसूस होगा और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वस्तुतः सकारात्मक विचार शिव और शुभ विचार शुभ परिणाम ही लाते हैं, क्योंकि विचारों में चुंबकीय शक्ति या आकर्षण बल होता है। सकारात्मक सोच श्रेष्ठ व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण है। जिनके विचार सकारात्मक होते हैं, उनका मन मस्तिष्क सृजनात्मक ऊर्जा से लबालब होता है, वे ही सच्चे अर्थों में जीवन को जीते हैं, हर पल का आनंद लेते हैं। उनकी सृजनात्मकता व सकारात्मकता नकारात्मक विचारों को पास फटकने ही नहीं देती। मित्रों, हमारे मन पर निषेधात्मक या ऋणात्मक विचारों का आक्रमण तभी होता है हम जब किसी रचनात्मक विचार या कार्य में व्यस्त नहीं होते। तो आज पाठशाला में यही सूत्र है आपके लिए कि आप सदैव रचनात्मक कार्य और विचार में अपने को व्यस्त रखिए। क्रिएटिविटी आपके जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए, फिर आपके जीवन में ऋणात्मक नकारात्मक विचारों का आक्रमण हरगिज नहीं होगा और आप सकारात्मकता से अपने व्यक्तित्व का अद्भुत विकास करेंगे। अब प्रश्न उठेगा कि आखिर ये सकारात्मक विचार हैं क्या? सुदेशना के अनुसार जिनके चिंतन मनन से मन प्रसन्न, हल्का और स्फूर्ति युक्त हो जाए, जो हमें खुशी देते हों, जो हमारे साथ ही विश्व का भी कल्याण, मंगल और अभ्युदय करते हों, वे ही सकारात्मक विचार हैं। मसलन परोपकार, प्रेम, करुणा, सेवा, क्षमा, दूसरों के आंसू पोंछने की भावना, सह अस्तित्व, सौहार्द्र और समनस्य की भावना, विश्व बंधुत्व और शांति की भावना, सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, ये सब सकारात्मक विचार हैं। जहां भी दिखे अभाव, वहां खुशियां बांटना सुदेशना का स्वभाव। सुदेशना है जहां, प्रसन्नता है वहां, मुस्कान है वहां, क्योंकि मुस्कान हम सभी के होठों पर परमात्मा का पवित्र हस्ताक्षर है। मनुष्य और पशु में ही अंतर है कि पशु मुस्कुरा नहीं सकते और मनुष्य मुस्कुरा सकता है। मनुष्य की मुस्कुराहट उसका इनोवेशन है। परमात्मा ने अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति को मुस्कुराने की अदा दी है, अंदाज दिया है। तो आप सदैव मुस्कुराते हुए अपने जीवन में
सकारात्मक गति प्रगति कीजिए। इसी शुभकामना और आह्वान के साथ सुदेशना की आज की पाठशाला को देते हैं विराम। अगली पाठशाला 59 में हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल। ओम आनंदम सफलम भवतु। सुदेशना प्रणाम। ओम।